हमने बिजली और पानी के क्षेत्र में काम किया और आपने देखा होगा कि हमारी कैबिनेट ने 90,000 वैकेंसी एक साथ निकाल करके उनको कैबिनेट में लाना ये शायद इतिहास में पहली बार हुआ होगा। एक साल 90,000 नौकरियों के लिए कैबिनेट ने पास करना। हमने कहा है कि आप हिसाब लगाते जाइए, कांग्रेस के लोगों से कहा है डायरी पेन रखिए, हिसाब लगाते जाइए, आपको हम पूरी तरह से जवाब देंगे कि जो हमने हमारी जवान से कहा उसको हमने एक एक को पूरा किया है। और यही मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रदेश की उन्नति के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है और इसी कृत संकल्प को लेकर के हमने पहली साल में ही राइजिंग राजस्थान किया है। लोगों ने कहा था कि सरकार तीसरी चौथी साल में राइजिंग राजस्थान करते हैं, आप पहली साल में ही क्यों कर रहे हैं? हमने कहा हम पहली साल में इसलिए कर रहे हैं कि हम चार साल में उन कामों को पूरा भी करें, इसलिए हम पहली साल में कर रहे हैं। और आपने देखा है हमने एक कमेटी भी बनाई है। मैं तो मन में बड़ा ख्याल आता है जब कोई भी अधिकारी मेरे से कहता है कि साहब मेरे को नौकरी करते हुए 35 साल हो गई, लेकिन मैं तो पहली बार देख रहा हूं कि जो रिटायरमेंट वाले भी हैं उनको भी बुलाया है। और मेरे राजस्थान के ऐसे भाई बहन जो बाहर आईएएस हैं और जो सीएस हैं, एसीएस हैं, जो नौकरी लंबे समय से बाहर कर रहे हैं, वो जब मैंने उस दिन बीसी पे जोड़ा तो उन्होंने कहा कि भाई साहब हमारे मन में काम करने की बहुत बड़ी तमन्ना है, क्योंकि हम राजस्थान के रहने वाले हैं। कोई भी योजना निकलती है तो सबसे पहले हम पेपर में या टेलीविजन पर हम राजस्थान को देखते हैं, क्योंकि राजस्थान के अंदर हम करना चाहते हैं। लेकिन हम पहली बार बीसी से जुड़े हैं जो हमसे आप सवाल कर रहे हैं कि राजस्थान के विकास के लिए क्या किया जा सकता है, आप क्या कर सकते हैं, आपके अच्छे सुझाव हैं, उन सुझावों को आप हमें दीजिए। अगर ऐसा हमारे साथ हो रहा है तो 35 साल में पहली बार 30 साल में हमारे साथ हो रहा है।